हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा परमेश्वर की जय जयकार करो। आइए हम मिलकर उस महान परमेश्वर को आराधना करें, स्तुति करें। ये हमारा भला है, परमेश्वर की स्तुति करना हमारे लिए आशीष है। हे परमेश्वर, हम पर अनुग्रह करें और हमको आशीष दें। वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें, राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर यहोवा, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। भूमि ने अपनी उपज दी है, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है, परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देश के सब लोग उसका भय मानेंगे। हाँ खुदावर, तेरे भय मानते हुए हम तेरे उपस्थिति में खुदा तेरा धन्यवाद करने के लिए, किए हुए उद्धार को याद करते हुए तेरा धन्यवाद करने के लिए, हे सेनाओं का यहोवा, तेरे पास हम आए हैं, तेरे पास हम आए हैं। आमीन। आए सारे मिलकर उस सेनाओं की यहोवा को हम धन्यवाद करें, जय जयकार करें। Hallelujah!
खुदा तेरा वचन जो जीवन देने वाला तेरा वचन खुदा जीवन जल के तेरे वचन खुदावन हमारे बीच में हमारे देश में बहने दे खुदावन तेरे रूह से हम प्रभु ताकत को पा सकें तेरे रूह से हम प्रभु मदद को पा सकें इस कठिन समय में इस महामारी के समय में खुदावन पवित्र आत्मा तेरे रूह से हमें संभाल दे तेरे पवित्र लहू से हमें संभाल खुदावन जिस तरीके से तूने इसराइल लोगों को अपने प्रभु जी संभाला गोशेन के देश में तूने उन्हें सुरक्षित रखा पूरे देश भर की महामारी
6:20 में, धन्य है परमेश्वर जिसने ना मेरी प्रार्थना को अनसुनी किया और ना ही मुझसे अपनी करुणा को दूर किया। सचमुच परमेश्वर की करुणा इस वक्त में हमारे साथ है और हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें किस तरीके से संभाल के रखा हुआ है, परमेश्वर ने हमें किस तरीके से इस बीमारी से और हर तरीके की दुख मुसीबतों से, हमारी हर परेशानियों से हमें दूर किया है। परमेश्वर ने हमारे लिए राह को खोला है क्योंकि हम जीवते परमेश्वर को जानते हैं और हमें पता है कि हमारी जो आशा है उसी पर ही है और उसी के द्वारा हम चंगाई को पा सकते हैं और हर चीज़ों से हमारा छुटकारा हो सकता है।
क्योंकि हमारी आशा तू है, हमारा चट्टान, हमारा नींव प्रभु तेरे चट्टान के ऊपर बनाया हुआ है, तेरे वचन के ऊपर बनाया हुआ है खुदा। हालेलुया, आंधी क्यों ना आए खुदा, तूफान क्यों ना आए खुदा, भाड़ क्यों ना आए, लेकिन प्रभु हमारा नींव प्रभु जी कुछ नहीं होगा खुदा। हालेलुया, हालेलुया, तेरे वचन के आधार पर हमारा नींव ढाला हुआ है खुदा। हालेलुया, आए सारे वो परमेश्वर को धन्यवाद करें, हमें वो परमेश्वर के ऊपर हमारे आशा को रख दे। हालेलुया, और कहे खुदावन आंधी आने दो खुदा, लेकिन हम प्रभु जी डरेंगे नहीं, क्योंकि तू हमारा चट्टान है, तू हमारा चट्टान है राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। I'm not afraid to die.
अपने दिल की गहराई से कहें। प्रभु इस महामारी के बीचों में खुदावन हमारा भविष्य के बारे में हमें कुछ नहीं हमारे जानने पा रहे क्या होगा, अभी मेरा भविष्य क्या है, मेरा अभी क्या होने वाला है करके प्रभु मेरे परिवार को बच्चों को क्या होगा करके हम नहीं जानते हैं। ऐसे समय पर खुदावन प्रभु जी हमारा उम्मीद सिर्फ तुझी पर है खुदा। हालेलुया, आई हम सब कह सके क्या खुदा मेरा उम्मीद तू ही है खुदावन, मेरा सब कुछ तू ही है खुदा। अगर मुझे दिख नहीं पाता कुछ, राह नहीं दिख नहीं पाता हूँ मैं, लेकिन प्रभु फिर भी मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ, मैं उम्मीद तुझ पर ही रखता हूँ, मेरी आशा तुझ पर ही है खुदावन, मेरी सारी निराशाओं को आशा में बदलने वाले खुदा। हालेलुया, आइए सारे मिलकर उस सेवा परमेश्वर से कहें खुदावन हमारे कल की भात खुदा तू अच्छी तरह जानता है, क्योंकि तू ही आदि और तू ही अंत है खुदावन, तेरे अलावा और कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि तूने मुझे अपने हथेली पर चित्र बनाकर रखा खुदा। हालेलुया, हालेलुया, ये सारे करें हमारे एक आशा है, हमारे एक विश्वास है खुदा, हमें छोड़ने वाले नहीं एगो परमेश्वर, हमें छोड़ेंगे नहीं, छोड़ने के लिए हमें उद्धार नहीं किए, छोड़ने के लिए अपनी जान नहीं दी, छोड़ने के लिए अपना लघु नहीं बहाया। महान परमेश्वर से कहें खुदा तू मेरा उम्मीद तू ही है खुदावन। हालेलुया, हालेलुया, अगर चारों तरफ अंधकार क्यों ना हो, चारों तरफ पूरे विश्व भर में अकाल क्यों ना हो, यहोवा परमेश्वर जिसने एलिशा नबी को जिसने खिलाया, जिसने उस विधवा को खिलाया, इसी तरह आपको मुझको खिलाने के लिए भी योग्य है। अपने आटा खमी नहीं होगी, आपका तेल कभी खमी नहीं हो सकती है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, उसने हमारा पिता परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, रे खबा शंदलू दीरी खरावर शगलावर बरी खड़रावा रिमलाका शोधरा बरी शगला बरी खड़ा दूरा बरी शंदला बरी खड़रावा। आया और एक बार कहे खुदा तू मेरा उम्मीद है, इस परिघम परिस्थिति के बीच में तू ही मेरा उम्मीद है करके क्या आप दिल की गहराई से कहें क्या। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। Yeshua, Yeshua, Yeshua,
साथ ले चल खुदा, साथ ले चल सुखदाई जल के झरने के पास। खुदावन हमें ले चल हरी हरी चराइयों में, हमें ले चल खुदा तेरे पास। हम समर्पित करते हैं तेरी उपस्थिति में, हम सबको समर्पित करते हैं राजा, जितनों ने इस आराम में जोड़े हुए हमारे साथ खुदावन, सबको राजा तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। आप संभाल, आप हमें ले चल तेरे सुखदाई चल के चरने के पास। धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से खुदावन, आमीन आमीन आमीन। मसीह में प्रिय लोगों, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से जल्द आने वाला हमारे प्रभु के नाम से आप सबको हम स्वागत करते हैं, आशीतें करते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने शादी किया, शादी करके कुछ समय के बाद उन्होंने अपनी वाइफ को बहुत ही नफरत किया और छोड़ दिया, और उनकी वाइफ ने दूर देश में जाकर उन्होंने अकेला में रहने लगी। ऐसी स्थिति में कुछ समय के बाद ये व्यक्ति ने दोबारा अपनी वाइफ को ढूंढने लगा और पुलिस से कंप्लेंट किया, और फिर पता चला कि वो कहाँ पर रह रही है करके। जब उनकी पता वगैरह जब पता चला तो ये व्यक्ति ने क्या किया, उनके पास पत्र लिखा ये कि मुझे माफ़ करो, आप आ जाओ करके उन्होंने लिखा। ऐसे उन्होंने करते ये एक साल हो गया, ऐसे हर महीने उन्होंने पत्र लिखते रहा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अंतिम में इन्होंने क्या किया, क्रिसमस के समय पर उन्होंने अपने वाइफ जहाँ रहती थी उनके पास गया और उन्हें अपना घर लेकर आया, वो भी आ गई थी। तब इन्होंने पूछा, आपने जब मैंने पत्र लिख रहा था तब आपने क्यों नहीं आया? वाइफ ने कही कि वो तो सिर्फ पत्र था, लेकिन इस बार आपने खुद आया इसीलिए मैंने आ गया करके। प्यारे लोगों, पिता परमेश्वर हमें सिर्फ आने वाला करके पत्र नहीं, वो जल्द आने वाला है, आमीन। वो आकर आपको और मुझको अपने संग ले जाने वाला है, यही परमेश्वर का प्यार है। इस प्यार के बारे में बाइबल कहती है अगापे, अगापे इसका मतलब एक अनकंडीशनल। ये संभव में तो हमने देखा वो व्यक्ति एक कुछ कंडीशंस था, लेकिन यहाँ पर हमारा परमेश्वर एक अनकंडीशनल प्यार आपसे और मुझसे करते हैं। वो परमेश्वर की घुन में से एक वो भाग है, वैसे प्यार को प्रभु हमसे भी चाहते हैं, आमीन हालेलुया। अगापे प्यार, फर्स्ट लव, जैसे बाइबल में नया नियम में अंतिम किताब है प्रकाशित वाक्य, इस प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर सात कलीसियाओं के लिए एक पत्र लिखते हैं, सात कलीसियाओं के लिए पत्र लिखते हैं। उसमें से पहले कलीसिया है एफिसस, पहले कलीसिया का नाम क्या है, एफिसस। जब एफिसस कलीसिया के लिए प्रभु पत्र लिखते थे, प्रभु ने कहा उन कलीसिया के बारे में, प्रभु बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कहते थे, बहुत ही सुंदर बातें कहते थे, फर्स्ट क्लास बेहतर बातें कहते थे। अंतिम में प्रभु उन कलीसिया के बारे में ये भी कहा, लेकिन तूने अपनी पहला सा प्यार को छोड़ दिया है करके। सब कुछ अच्छा है, परफेक्ट है, बेहतर है, लेकिन एक चीज, व्हाट इज इट, फर्स्ट लव, तूने अपनी फर्स्ट लव को छोड़ दिया है करके प्रभु बहुत ही दुख करते हैं। प्यार, ये फर्स्ट लव, ये अगापे, इसके बारे में हम अब हर एक के अपने जीवन में ये फर्स्ट लव के बारे में कुछ संभव तो होता होगा, हम सबके कुछ याद होती, किसी का
अपना पहला गाड़ी बहुत ही इतनी प्यारा गाड़ी होती है, वो अपने ध्यान में हमेशा हमेशा के लिए होती है। कई ऐसे व्यक्तियों को भी मैंने देखा कि उन्होंने अपनी परिवार से भी अधिकतर अपने गाड़ी को या बाइक को बहुत ही इतना ज़्यादा चाहते हैं। उसे हम लव नहीं कहना है, क्योंकि लव तो इमोशनल होती है। इतना लाइक करते हैं अपनी गाड़ी को, उसे हमेशा साफ रखते हैं, उसे किसी ने छूना तक नहीं है, ऐसा वो करते हैं। मतलब हर किसी के अपने जीवन में ये फर्स्ट लव के बारे में कुछ संभव तो याद हमेशा होती है। व्हाट इज इट, लेकिन बाइबल क्या कहती है उस फर्स्ट लव के बारे में? प्रभु किस चीज़ के बारे में इस एफिसस की कलिशिया में प्रभु इस बातों को कहते हैं? ये बात जो है, ये शब्द जो है, जहाँ यहाँ लिखा है प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय उसका 4 आयत में लिखा है, यहाँ पर एफिसस की कलिशिया के प्रभु कहते हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ लव इज दिस लव, अगापे लव, यही प्यार को प्रभु यहाँ पर बताते हैं। और ये लव क्या होती है, प्यार कैसा होती है? इट इज अ लव ऑफ गॉड फॉर मैन, ये परमेश्वर की मनुष्यों के प्रति परमेश्वर का प्यार है, और वाइस वर्सा, मतलब परमेश्वर के प्रति मनुष्य के लिए भी प्यार है। ये दोनों तरफ, परमेश्वर से मनुष्य के लिए और मनुष्य से परमेश्वर के लिए होती है। इट इज़ एन अनकंडीशनल लव। आप और हम जानते हैं युगनाथ 3:16 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया करके हम पढ़ते हैं। ये जो है फिलयो, जो दूसरा एक लव बोलते हैं, ईरोस कहते हैं, उसी तरह नहीं, वो सारे सेल्फिश है। सेल्फिश लव होती है, उसमें कंडीशंस होती है, उसमें आप ये करेंगे तो मैं ये करूँगा, ऐसा कुछ बातें होती हैं। लेकिन अगापे जो प्यार है, इट इज़ एन अनकंडीशनल एंड सैक्रिफिशियल लव प्यार होती है, बहुत ही त्याग से भरे हुए एक प्यार होती है। ये जो है, इट इज़ नॉट जस्ट बेस्ड अपॉन द इमोशंस, सिर्फ अपनी स्वभाव या अपनी इमोशंस के ऊपर निर्भर नहीं होती है, होती है, इट इज़ बियॉन्ड, उससे भी ज़्यादा ये, उससे बढ़कर ये प्यार करती है, ऐसे एक प्यार है। आप जानते हैं 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय में हम देख सकते हैं 1 से लेकर 8 आयत तक प्यार क्या करती है करके, प्यार किसी का आए उस 2-3 वचन को हम पढ़ेंगे उसमें से, 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय का 1 से लेकर 8 तक वहाँ पर उस प्यार के बारे में लिखा हुआ है, प्यार क्या क्या करती है करके। यहाँ हम देखते हैं, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम ढाग नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलना नहीं, वह अनृति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। ऐसे बहुत बारे में, बहुत ऐसी चीज़ें इस प्रेम के बारे में, प्यार के बारे में लिखा हुआ है। सो इट इज़ ये बहुत ही होली, मतलब प्योर, शुद्ध है और अपने आप को देने वाली प्यार होती है, सैक्रिफिशियल, त्याग करने वाली होती है, और औरों की उन्नति के लिए ये प्यार हमेशा आगे आती है। तो अगर बाइबल में ऐसे 4 शब्द जो है ऐसी स्थिति में इस्तेमाल किया प्यार की जगह पर, लेकिन अगापे प्यार ही सबसे बेहतर और हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव है, वो बहुत ही बड़ा एक श्रेष्ठ प्यार है जिसने परमेश्वर ने आप और हमसे किया है। तो ये अगापे प्यार के लिए हमें क्या चाहिए होती है? हमें विश्वास योग्यता होती है, हमारे लिए कमिटमेंट की ज़रूरत है, हमारे लिए त्याग की ज़रूरत है, मतलब बिना कुछ हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे है, ऐसा प्यार को ही हम अगापे कह सकते हैं। तो ये प्यार कम से कम 200 बार ये नया नियम में आती है, जिसे 1 अध्याय 4:8 में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर गॉड इज लव, परमेश्वर प्यार है, यहाँ पर ही अगापे के प्यार के बारे में बताती है बाइबल। तो ये युगना जिसने परमेश्वर यीशु मसीह से बहुत प्यार किया, प्रभु यीशु मसीह का बहुत ही एक प्यारा चेला है, इन्होंने इस प्यार के बारे में बहुत ही जगह पर अपने पत्रों में और युगना के सुसमाचार में और प्रकाशित वाक्य में इन्होंने लिखा है। तो ये प्यार, और युगना 3:16 में और रोमियों की 5:5 में लिखा है, परमेश्वर, गॉड्स लव हैज़ बीन
poured out into our hearts by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्यार क्या किया गया, अपने हमारे दिल में, हमारे हृदय में उंडेला गया करके ये वचन हमें कहते हैं। और युगना का 17वें अध्याय में जहाँ पर प्रभु यीशु का महायाजक की प्रार्थना आती है, उसमें भी, वहाँ पर भी, उस अध्याय में भी इस अगापे के प्यार के बारे में हम पढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, दूसरा तीमतियों 1:7 आयत में परमेश्वर हमें डर की आत्मा नहीं वरन हमें प्यार और सामर्थ्य की आत्मा दिया है करके उस अध्याय में पढ़ते हैं। इतना ही नहीं, एफिसियों की पत्री में भी इस प्यार के बारे में पौलुस लिखते हैं। आमीन, हालेलुया। तो इसी प्यार के बारे में यहां पर प्रकाशित वाक्य का और पलटिएगा, यहां पर यीशु मसीह, इट इज नॉट जॉन, अपोस्टल जॉन नहीं कहते हैं, वरन खुद यीशु मसीह ही इस पत्र को लिखते हैं, मतलब लिखने के लिए बोलते हैं शब्दों को। तो खुद यीशु मसीह ही कहते हैं कि तूने, यू हैव लेफ्ट योर फर्स्ट लव, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है करके। हालेलुया। मसीह के प्रिय लोगों, अभी हम अंतिम समय में जी रहे हैं, अभी हमारे जीवन में, हमारी दुनिया में जो बातें हो रही है, अभी जो कोरोना की बातें क्यों ना हो, इसके बाद और भी बड़ी बड़ी वायरस आ रही है करके खबर हर दिन कुछ ना कुछ आते रहता है। हर रोज सारी खबर जो आती है बुराई की खबर ही आती है। अगर चाइना में, जापान में देखिएगा, बाढ़ ही बाढ़ हो रही है, और इस तरफ देखेंगे इंडोनेशिया, इस जगह पर हर रोज भूकंप की भूकंप है। हमारे दिल्ली में भी ऐसे ही भूकंप हो रही है। तो मतलब हर जगह में ऐसी बुराई खबर ही हमें सुनने में आता है। इस सारी बातें मत्ती 24 अध्याय के अनुसार परमेश्वर की आगमन की कितनी जल्द में हम आ चुके हैं करके ये सारी बातें हमें बताती है। ऐसे समय पर अगर आप ये भी समझ सकते हैं, एक उपद्रव चारों तरफ हमें हम सबको दबाया जा रहे हैं, वी आर प्रेस्ड डाउन ऑन एवरी साइड। ऐसे एक समय पर अभी कलीसिया भी नहीं हो पा रही है, तो एक तरफ से ये सारे देखेंगे तो एक परसिक्यूशन, एक उपद्रव के समानता में है। ऐसे समय पर लेकिन प्रभु एक कलीसिया से, एक विश्वासी से, आपसे, मुझसे क्या चाहते हैं, एक प्यार को चाहते हैं। वो भी कैसा प्यार है, फर्स्ट लव, पहला सा प्रेम। उस पहला सा प्यार को प्रभु चाहते हैं। जिस दिन आपने उद्धार पाया, जिस दिन हम सब उद्धार पाए थे, उस समय में आपका और मेरे दिल में कितनी प्यार थी परमेश्वर के प्रति। हम परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, हम मारपीट गाने के लिए भी तैयार होते थे। हम ऐसे सवेरे भोर को उठते हैं और परमेश्वर के वचन में घुसे रहते हैं, आराधना में और सेवकाई में। लेकिन अब इसी समय पर ये सब कहाँ हो गया। एफिसस के कलीसिया, पहले कलीसिया, यहाँ पर 7 कलीसियाओं के बारे में प्रभु बातें करते हैं। इस 2 और 3 अध्याय प्रकाशित वाक्य में ये 7 कलीसिया, इसके बाद 7 मोहर आती है, इसके बाद 7 दुर्गियाँ आती है, इसके बाद 7 विपत्तियाँ आती है, ऐसे 7 करके बहुत सारे बातें इसमें आती है। ये सारे एक कलीसियाओं में जुड़े हुए बातें हैं। तो ये प्रकाशित वाक्य ये बहुत ही हमारे लिए एक बहुत ही धन्य एक किताब है, क्योंकि शुरुआत में वचन में यही लिखा है, धन्य है वो व्यक्ति जिसने इस प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी के शब्दों को सुनता है और मानता है और उसके अनुसार उसे पढ़ता है करके यहाँ पर हम वचन में पढ़ते हैं। तो इस कलीसिया में, एफिसस की कलीसिया, यहाँ पर 7 कलीसिया जो बताया गया है, ये 7 कलीसियाओं में इसराइल देश में नहीं है। आमेन। इसराइल देश में एक भी कलीसिया नहीं है, ये सारे बाहर अन्य देश की कलीसिया है। इस 7 कलीसियाओं को कहीं अगर परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के दास, थियोलॉजियंस कहा जाते हैं, उन्होंने जो पुराने नियम में परमेश्वर की अति पवित्र स्थान में रखा हुआ तिवेटी के साथ इसे जोड़कर कई अद्भुत बातों को हमें बताते हैं, जो हम कहते हैं मेनोरा। मेनोरा के कितनी वो ब्रांचेस होती है, वो 7 होती है। ये 7 कलीसियाओं को मेनोरा के 7 उस ब्रांचेस के समान में कहते हैं और उसके बारे में वो बताते हैं हमें। यहाँ पर पहला कलीसिया है एफिसस,
परमेश्वर ये सात कलिशिया सात काल के बारे में हमें बताती है, और ये सात काल सिर्फ उन समय के लिए भी है और अभी के लिए भी है। जब पहला युग में वो कलिशिया थी उस समय के लिए भी है और अभी के लिए भी, हमारे हर एक कलिशियाओं के लिए भी ये जो बातें हैं वो हमारे लिए भी लिखी हुई है। आमीन। क्योंकि इब्रानियों 10वीं अध्याय पहला आयत में लिखा है, जो पुराना नियम में जो भी बातें लिखी हैं हमारे लिए वो सारे प्रतिबिंब है, आने वाले बातों की प्रतिबिंब है। तो मेनोरा प्रतिबिंब है, लेकिन अब कलिशिया वो सचमुच है, मतलब सच्चाई है। आमीन। तो ऐसे कई बातें प्रकाशित वाक्य में से हम पढ़ सकते हैं, लेकिन इस पहला एफिसियस की कलीसिया के बारे में थोड़ा सा आज हम ध्यान देना चाहते हैं। प्यारा, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और इसमें हम ध्यान दें, और जब परमेश्वर के योग्य परमेश्वर के मनपसंद व्यक्ति आप और हम बने। जब एफिसियस बोला जाता है, एफिसियस का मतलब ही डिसायरेबल, मतलब एक पसंदीदा कलीसिया। आमीन। परमेश्वर जो उस नाम का अर्थ ही डिसायरेबल होती है, पसंदीदा होती है। ये ऐसा एक कलीसिया है, इट इज अ वेरी फेमस वन। ये कलीसिया को किसने निर्माण किया पता है? प्रेरित पौलुस ने निर्माण किया। कहां पर? 18वें अध्याय प्रेरितों के काम में आप पढ़ सकते हैं, वहां पर ही वो कलीसिया का स्थापित हुआ है। जब पौलुस ने अपने दूसरे मिशनरी यात्रा कर रहे थे उसी वक्त उन्होंने किया, उसके साथ अकिला और प्रिसिला भी थे वहां पे। इस कलीसिया में तिमोथी भी कुछ साल रहा। इस कलीसिया में 3 साल रहकर पौलुस खुद उन सबको सिखाया। ऐसे एक कलीसिया है। लेकिन वो कलीसिया मतलब शुरुआत में जब कोरिंथ से जब पौलुस प्रेरित पौलुस ने एफिसियस गया, वहां देखा तो दयाना का बहुत बड़ा एक मंदिर वहां पर था। दैट इज वन ऑफ द वर्ल्ड वंडर ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड, प्राचीन काल का प्राचीन समय का एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड था वो मंदिर जो है डायना का। ऐसे एक मंदिर था वहां पर, इतनी बड़े बड़े व्यापार होती थी, और इतना ही नहीं वहां सी पोर्ट भी होता था, इसलिए वहां पर इकोनॉमी और इतनी बहुत ही एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के तरह उस समय में प्राचीन काल में एफिसियस होती थी। ऐसे एक हर चीजों में वहाँ पर लोग जो है इतने अच्छे अच्छे लोग होते हैं, बहुत ही बिजनेस करने वाले बड़े बड़े लोग होते थे। ऐसे लोगों के बीच में पौलुस ने 3 साल रहकर उन्हें सारे बातें परमेश्वर के वचन को सिखाया बताया, और वहाँ पर इस कलीसिया को निर्माण किया है। इस बातों को हम प्रेरितों की 18-19 अध्याय में देख सकते हैं, 20वीं अध्याय में भी, और एफिसियस की पत्री में भी उस कलीसिया के बारे में हमें अच्छी तरह हमें मालूम होता है। और ये AD 52 में इन्होंने इस कलीसिया का वहां पर स्थापित किया है, और उसके बाद 3 साल उन्होंने वहां पर रहा करके हमने देखे हैं, वो 19वीं अध्याय प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है। तो यहां पर उन्होंने रहकर क्या सिखाया उन लोगों को? जो फॉल्स डॉक्ट्रिन्स है, जो झूठे भविष्यवक्ताओं की जो उपदेश जो है, और सारे जो पेगन प्रैक्टिसेस जो अन्य लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, उन सारी बातों को उन्होंने बताया और सिखाया है उन लोगों को। तो ऐसे बेसमेंट इतनी अच्छी से उनकी कलीसिया की बनाई हुई कलीसिया में, यहां पे जादू टोना भी बहुत सारा हुआ करता था। क्योंकि उसी अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, 19वीं अध्याय में टिमेट्रीस करके एक व्यक्ति आता है, उन्होंने क्या करता है, डायना का जो सिरेन जो होती है उसे बनाकर भेजा करता था। और उनका अभी क्या हो गया, ये सारे लोग मसीह बन गए तो उनकी व्यापार नष्ट हो गया, उन्होंने बहुत ही रिवोल्ट करने लगा, और ये सारी बातों का हम प्रेरितों के काम 19वीं अध्याय में पढ़ सकते हैं। ऐसे लोग ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, और एक तरह से देखेंगे तो हमारा हमारे देश के ऐसे ही होता है शायद। ऐसे लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उन्होंने प्रभु के लिए इतनी जलन करने वाले लोग थे, और इन्होंने जलन किया, और उनकी अगर उनकी इतिहास में आप पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह उनके कलीसिया के बारे में लिखी हुई है। दे आर वेरी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल में उन्होंने उनकी आराधना, उनकी उनकी उपासना, उनकी मीटिंग्स वगैरह, ये सारे इतनी अच्छी तरह हुआ करती थी। कोई भी उस कलीसिया के विरोध में कोई गलती को नहीं ढूंढ सकता है,
इतनी अच्छी एक बड़ी कलिशिया थी वो एफिशस की कलिशिया, उनकी आराधना इतनी सुंदर तरीका से हुआ करता था, सारे लोग इतनी अच्छे से उनकी ड्रेसिंग्स क्यों ना हो, हर चीज़ों में ये कलिशिया बेहतर थी, गॉस्पल प्रीचिंग करने में आगे थी, और हर समय प्रोग्राम्स हुआ करता था, एकदम बिजी कलिशिया थी। ऐसी कलिशिया को देखकर प्रभु यीशु यहाँ पर कहते हैं, क्या कहते हैं, तेरे विरुद्ध मुझे ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्यारो, आजकल की कलिशिया हो या हमारी कलिशिया क्यों ना हो, हम कैसे हैं, चैनल्स चलाने में, प्रोग्राम्स करने में, और ये फादर्स डे, मदर्स डे, ये डे वो डे करके ये सारे दिन को मनाने में, हर चीज़ों में कलिशिया हम आज आगे हैं। लेकिन प्रभु आपसे और मुझसे क्या चाहता है, पहला सा प्रेम को चाहते हैं। हम सोचें और आज हमारा स्थिति क्या है करके हम उसे, हमें अपने आप को जांचना बहुत ही आवश्यकता है। वी नीड टू एवैल्यूएट आवर सेल्फ। आमीन, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के लिए ही कार्य करते हैं लेकिन परमेश्वर से उस पहला सा प्रेम नहीं है तो कैसा लगेगा। अगर मानिएगा एक पति क्यों ना हो, अगर उन्होंने अपने परिवार के लिए हमेशा कार्य करता है, इधर उधर घूमते रहता है और बिजनेस करते रहता है, हमेशा भारी रहता है, महीने में एक बार घर आता है, ऐसा होगा तो वो परिवार कैसा होगी। कार्य प्रभु के लिए करते हैं लेकिन वो प्रेम नहीं है, वो समय हम प्रभु से नहीं बिताते हैं तो वो कैसा होगा, कैसा लगेगा। गॉड इज सीकिंग द फर्स्ट लव इन यू एंड मी। परमेश्वर आपसे और मुझसे अपने पहला सा प्रेम को चाहते हैं, इसलिए हमें पहला सा उस प्रेम को नहीं छोड़ना है। तो आइए इसमें से हम कुछ बातों का देखना चाहते हैं, जिसे इस प्रेम के बारे में एफिसियों की पत्री में पौलुस क्या लिखता है, आइए उस बातों को भी एक बार पढ़कर आगे चलेंगे। एफिसियों की पत्री उसका 6:24 में प्रेरित पौलुस इस तरह कहते हैं, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं उन सब पर अनुग्रह होता रहे। उन्होंने एफिसियों की पत्री को इस तरह अंत करते हैं, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, तुम लोग मेरे, जब यीशु मसीह दो झुंड को अंतिम समय में, न्याय के समय में, एक झुंड वाले प्रभु यीशु से कहते थे, हे प्रभु तेरे नाम से हमने भविष्यवाणी की, तेरे नाम से हम अद्भुत काम की, तेरे नाम के लिए ये किया वो किया, लेकिन प्रभु यीशु क्या कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं जानता। वैसे झुंड में हमें नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें आज से लेकर हमें निर्णय लेना चाहिए, हमें प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम करेंगे और पहला सा प्रेम को नहीं छोड़ेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, आमीन। तो ऐसा एक बहुत ही सुंदर, ये कलिशिया के विरोध में प्रभु ने बस एक छोटी इस बात को कहा, छोटी नहीं, इस पहला सा प्रेम के बारे में एक 5 R को आपसे मैं बताना चाहती हूँ कि पहला R जो है रिवील। प्रभु यीशु ने उन्हें खुलासा किया, क्या खुलासा किया, आइए प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का और पलटें। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एफिसियस की कलिशिया को खुलासा किया, उनकी काम क्या है, वे क्या करते थे, उन्होंने क्या बिजी रहते थे, हर बातों को प्रभु यीशु मसीह उन्हें बताया है। आइए पढ़ेंगे पहले से लेकर, एफिसियस की कलिशिया के दूत को ये लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 तीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। गॉड इज माइंडफुल ऑफ अस। कई बार हमें लगता है कि प्रभु क्या मेरे बारे में सोचते हैं, मुझे सुनते हैं करके, लेकिन गॉड इज ऑलवेज माइंडफुल अस, माइंडफुल ऑफ अस। क्या एक दूध पिलाने वाले माँ अपनी बच्ची को भूल सकती है क्या? अगर वो भी भूलेगी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलता, मैं त्यागता नहीं, कभी सोता नहीं, कभी ऊंधता नहीं, इज़राइल का परमेश्वर, हालेलुया। ये परमेश्वर हमेशा हमारे ऊपर अपने नजर रखे रखते हैं,
आमीन, हालेलुया। तो ये परमेश्वर जानते हैं आपके और मेरे जीवन में क्या हम करते हैं, क्या हम बोलते हैं, कहाँ जाता है, कहाँ आते हैं करके। तो इसीलिए यहाँ पर प्रभु कहते हैं, मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को मैं जानता हूँ। धीरज को भी प्रभु कहते हैं, धीरज को भी मैं जानता हूँ, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और तेरे नाम, मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। वाव, कितनी अच्छी कलिशिया है ये। ऐसे अन्य जाति में से इस कलिशिया को, इन लोगों को प्रभु ने छुआ है, और ऐसे एक रिवाइवल कलिशिया है ये कलिशिया। प्रभु जो बातें इन्हें इनके बारे में बताते हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तूने झूठे लोगों को परख कर देखा है, और प्रेरित जो कहते हैं लेकिन है नहीं, उन लोगों को तू झूठा पाया है। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका भी नहीं है तू। वाव, जितना भी उपद्रव आए तू थका नहीं, ऐसे एक कलेशिया है। हालेलुया। लेकिन वचन चार में प्रभु कहते हैं, पर मुझे तेरे विरोध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पांचवी वचन में प्रभु कहते हैं, इसीलिए, इसीलिए। मेरे ख्याल से बिल्कुल ये आजकल की कलेशिया आपके लिए मेरे लिए है। सब कुछ अच्छा है, परफेक्ट है, लेकिन पहला सा प्रेम नहीं है। वी लास्ट द फर्स्ट लव। तो पहली बात है रिवील। परमेश्वर ने खुलासा किया, पहला आर जो है रिवील किया, खुलासा किया। हमारा गति, हमारा स्थिति क्या है, मेरा स्थिति क्या है, मेरा हमारा कलीसिया का स्थिति क्या है करके प्रभु यहां पर खुलासा किया है। और आगे प्रभु ने क्या किया, जैसे भजन आठवीं अध्याय को हम पढ़ते हैं, वहां पर दाऊद कहते हैं, मैंने आकाश को देखा, चंद्रमा को देखा, सूरज तारेगण को सबको देखा, प्रभु आपने बनाया, लेकिन आप परमेश्वर इस व्यक्ति के बारे में स्मरण करने के लिए मैं क्या चीज हूं करके वो कहता है। मनुष्य को याद करने के लिए वो क्या है करके वो कहता है, क्योंकि अगर आप, जैसे अगर आप हवाई जहाज में उड़ते हैं तो वहां से नीचे देखते हैं तो सारे इमारत तो इतनी छोटी छोटी दिखाई देती है, और ऊंचे चलेंगे तो कुछ भी नहीं दिखाई देती है। उसके अंदर हम कैसे दिखा देंगे, देख नहीं पाएंगे कोई भी। लेकिन प्रभु हमारे ऊपर, आपके ऊपर इतना वो स्मरण करते हैं, हमें याद करते हैं, हम पर वो माइंडफुल रहते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर यहां पर कहते हैं पांचवें वचन में, इसलिए स्मरण करके तू कहां से गिरा है। सेकंड आर, पहला आर प्रभु ने हमारी सारे परिस्थिति को, हमारी स्थिति को, हमारी हालत को खुलासा किया, रिवील किया। दूसरा आर है रिमेंबर। तो परमेश्वर वो कहते हैं, उसका हमारे लिए एक उपाय भी देते हैं। अगर मेरी गति, मेरी स्थिति इस तरह है तो प्रभु ऐसे छोड़ने वाला नहीं, तू कैसे भी रहो करके, लेकिन प्रभु हमें क्या करते हैं, उसके लिए उपाय देते हैं। हमें उस स्थिति से कैसे वापस लौट कर आना है करके हमें उपाय भी देने वाला परमेश्वर है। इस एफिसियस की कलीसिया को प्रभु ने सिर्फ उनके ऊपर वो रिवील, खुलासा नहीं किया, वरन उन्हें ये उपाय भी उन्हें बताया क्या करना है। तो दूसरा आर है रिमेंबर। रिमेंबर, क्या रिमेंबर करना है, क्या स्मरण करना है। इसीलिए स्मरण करके, पांचवें वचन में, इसीलिए स्मरण करके तू कहां से गिरा है। तू याद कर, स्मरण कर, तू कहां से गिरा है, कैसे प्रेम से तूने गिर गया, कैसे तूने परमेश्वर के साथ जोड़े रहते थे, कहां से तूने, अभी कितने दूर पे है। अब स्मरण कर, परमेश्वर तेरे साथ कितने कितने अद्भुत कामे की। परमेश्वर इज़राइल लोगों को 40 साल तक उस जंगल में चलाया, उनकी या तो कपड़े गंदा हुआ या उनकी जूते तोड़ी गई, कुछ नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध कितना कुड़कुड़ाते हुए हम आते हैं इतने सालों से। तो स्मरण कर, प्रभु कहां से मुझे छुड़ाया, प्रभु कहां से मुझे किसकी आधीन से छुड़ाया, मैं कैसा थी, मैं कैसा था। स्मरण कर, रिमेंबर, कहां से तू गिरा है करके।
हललुया। और आगे प्रभु कहते हैं और मन फिरा। सी गॉड इज लीडिंग स्टेप बाय स्टेप। पवित्र आत्मा हमें एकदम एक कदम कदम करके हमें कहां कदम रखना है करके बिल्कुल हमें बताते आते हैं। तो तीसरा आर है मन फिरा, रिपेंट। सो पहले खुलासा किया, रिवील किया। दूसरा प्रभु कहते हैं उपाय देते हैं, क्या उपाय देते हैं, रिमेंबर कहां से तू गिरा है, तो वेर यू वेर यू नो, जहां से तूने अलग हुआ करके उस बातों को याद कर करके प्रभु हमें रिमेंबर करने के लिए बोलते हैं। और तीसरा रिपेंट, तो क्या करना है, हमें याद करके स्मरण करके अभी मन फेरना है, उस बातों से मन फेरना है। जैसे नीति वचन कहती है कि अगर धर्मी 7 बार गिरेगा तो वो उठेगा। तो अगर आप और हम अभी गिर पड़े हैं तो उस पहला सा प्रेम से हम गिर गए हैं तो अभी हमें उठना है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। उस प्रेम की और हमें वापस लौटाने के लिए हमें मन फेरना है। क्या करना है, मन फेरा और पहले के समान काम कर। चौथा रीडू योर वर्क, दोबारा उस काम को कर जो पहले तूने करते हुए आए थे वैसे काम को दोबारा कर। रीडू, रिवील, रिमेंबर, रिपेंट एंड रीडू, उस पहले के समान काम कर। आमीन, हालेलुया। यदि तू मन ना फिराएगा, देखिएगा प्रभु अगर उपाय देते हैं ऐसे ऐसे तुम्हें करना है, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो भी खुलासा करते हैं। तो मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी तीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा, पर हां तुझमें यह बात तो है कि तू निखलियों के कामों से घृणा करता है जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। ये लोग जो है दुनिया की जो अन्य लोगों की वो सारे पारंपरिया को कलिशिया में ले आना चाहते थे, और बाकी कलिशियाओं के उस समय में भी इसके बारे में पढ़ते हैं, मतलब भलाम जो किया है उन बातों को ये निकोलियोस के ये लोग विश्वास करते थे। प्रभु कहते हैं उन बातों को तो घृणा भी करता है, अच्छी बात है। सो इट्स अ वेरी परफेक्ट चर्च, बहुत ही अच्छी कलिशिया है, लेकिन द पहला सा प्रेम को छोड़ दिया है। तो प्रभु इसलिए कहते हैं तू अगर तू मन ना फिराएगा क्या करूंगा, मैं तेरे पास आकर तेरी तीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। और सातवीं आयत में प्रभु कहते हैं जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलिसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया, दिस इज नॉट रिटन फॉर एवरीवन, ये सबके लिए नहीं है। जो सुनने वाले कान है उन लोगों के लिए है। आमीन, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलिसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया, द लास्ट आर, फिफ्थ आर इज रिवार्ड। एंड गॉड, परमेश्वर सिर्फ खुलासा नहीं किया, उन्होंने उपाय किया। क्या उपाय दिया, रिमेंबर कहां से तूने गिरा और मन फिरा, रिपेंट कर। और क्या कर, सिर्फ रिपेंट में रुकना नहीं, रीडू द वर्क, आप दोबारा उस काम को कर जो तूने पहले करते हुए आया है। और ऐसा करूंगा तो प्रभु उसके बाद कहते हैं अगर मन नहीं फिराएंगे तो क्या करूंगा करके, लेकिन मन फिरेंगे तो प्रभु क्या कहते हैं, पांचवी आर जो है रिवार्ड, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। आमीन, क्या इनाम दूंगा, जीवन की वृक्ष के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर हमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमें चलाते हैं। आमीन, अभी तक चलाए हुए आए हैं, इसी समय पर भी हमें प्रभु चलाएंगे, उसकी आगमन तक हमें चलाएंगे। इसीलिए प्रभु हमें यहाँ पर एक चेतावनी के रूप में देते हैं कि तू कहाँ से गिरा है तो तू स्मरण कर, जहाँ से तू पहले कैसा था, कैसा थी, कैसे कार्य कर रही थी, इन सारी बातों को स्मरण कर। रिमेंबर द थिंग्स यू हैव डन बिफोर व्हेन द डे यू वर Saved. Amen. Hallelujah.
हालेलुया। इट इज नॉट ओनली रिमेम्बरिंग द थिंग्स, बस याद करने के लिए नहीं, याद करके हमें रिपेंट करना है, मन फेरना है। इट इज नॉट ओनली वी आर ऑल स्टेग्नेंट इन समवेयर। हम इन सार पांच बातों में कहीं पर हम रुक जाते हैं। कुछ लोग हम क्या करते हैं, प्रभु ने खुलासा किया करके पछताते हैं, फिर पछताव में ही रह जाते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं उसके बाद हमें रिमेम्बर करना चाहिए कहाँ से मैंने गिरा करके। तो रिमेम्बर, सिर्फ कुछ लोग खुलासा किया तो वैसे पछताव में से, और याद तो करते हैं मैंने कहाँ से गिरा करके, लेकिन वही रुक जाते हैं। लेकिन वहां नहीं रुकना, हमें क्या करना है, तीसरा कदम मन फेरना है, रिपेंट। कई लोग मन भी फेरते हैं, रिपेंट करते हैं, लेकिन हम क्या नहीं करते हैं, वी नेवर डू द सेम वर्क व्हाट वी हैव डन बिफोर। हम जो पहले करते थे उसी काम को हम नहीं करते हैं। लेकिन हमें काम को भी करना चाहिए, स्मरण करना है कहाँ से गिरा है, और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें स्मरण करके हमें मन फेरना है। मन फेर कर हमें क्या करना चाहिए, मन फेर के जो दोबारा उस काम को जो हम करते हुए आए थे, पहले करते थे उस काम को हमें करना है। तब पांचवी बात, प्रभु हमें इनाम देंगे, रिवार्ड करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये जो है ये प्रकाशित वाक्य है आज हमारे लिए, परमेश्वर हमने जीवन के बारे में इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में अपने सारी बातों को खुलासा कर सकें, रिवील कर सकें। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे तो जरूर प्रभु हमें क्या करेंगे, अपनी सारी गति को हम मांगें, परमेश्वर से मांगेंगे, पूछें प्रभु मेरी स्थिति क्या है, मुझे खुलासा कर ताकि मैं जानूं मेरा स्थिति क्या है। वचन में लिखा है जो सोचता है खड़ा हूं करके वो वैसा ना करें, वो गिर ना जाए। प्रभु के प्रिय लोगों, अगर आप और हम सोच रहे हैं क्या मैं बिल्कुल सवेरे प्रार्थना करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, सब कुछ सही हूँ, टाइट देता हूँ या दान देता हूँ प्रभु के लिए, सब कुछ सही है करके, लेकिन हमें स्मरण करना चाहिए, हमें याद करना चाहिए कि प्रभु मेरे पास उस पहला सा प्रेम है, या उससे मैं कितनी दूर में हूँ, उसे याद करें और मन फेरें, और जो दोबारा जैसे हम कार्य भी करें प्रभु जरूर आपको ये नाम देंगे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद करते हैं राजा समय के लिए प्रभु, उस पहला सा प्रेम से हम उसे छोड़ दिया क्यों ना हो खुदावन, आज हमें और एक मौका दिया आपने प्रभु जी, हमें वापस लौट कर आने के लिए खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जिस तरह से वो खोया हुआ पुत्र ने, दूसरा बेटा ने, उसने अपने पिता को याद किया और पिता की घर को याद किया, और जिस स्थान में वो था वहां से उसने मन फिरा और उठकर लौट कर उन्होंने घर वापस आया। हम पहला सा प्रेम दोबारा तुझसे कर सकें खुदावन, उस प्रेम में हम बने रहने पाए, जो अगापे है, जो सैक्रिफिशियल लव है, अनकंडीशनल लव है, जो सिर्फ इमोशंस के ऊपर निर्भर नहीं होती, वरन प्रभु बिल्कुल दृढ़ता से बना रहता है उसी प्यार में, प्रेम में प्रभु हम सब बने रहने पाए। जितने ने इस प्रार्थना में जुड़े हुए हर किसी को खुदा तू छू ले, इसी वक्त तू छू ले खुदावन, हालेलुया। जितनों ने अपने दिल से वो प्रभु जी मांगते हैं तुझसे खुदावन, दोबारा मुझे उस पहला सा प्रेम को, प्रेम में बने रहने के लिए मदद कर करके मुझे ले आ करके, जितने ने अपने दिल में रोते हुए प्रार्थना करते हैं खुदावन, उन सारी लोगों को इसी वक्त तू छू कर उन्हें तू वापस लेकर आ खुदावन, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद और धन्यवाद ओ पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह का, हालेलुया। जिस तरह से तूने अपने जान दी, इस तरह हम भी अपने जान देने तक खुदावन तुझसे हम प्यार कर सकें खुदावन, प्रेम कर सकें। इस अंतिम समय में, इस उपद्रवों के बीच में प्रभु कभी कहीं पर कभी भी हम तुझे छोड़े ना खुदा, वरन तेरे पीछे ही रहे प्रभु, और उस पहला सा प्रेम में ही बने रहे खुदावन। हम सबको मदद कर, हमारी कलिशियाओं को मदद कर, आशित कर। सारा आदर जलाल महिमा तुझे देते हैं,
प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, आमीन आमीन। हललुया हललुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारे लिए 8:30 से हमारे लिए तमिल आराधना होती है, 10 हिंदी आराधना ऑनलाइन पे होती है, कृपया आप जुड़े रहिएगा। और 10 तमिल संडे क्लास होती है और 12 हमारे लिए हिंदी संडे क्लास होती है। कृपया अपने बच्चों को, आप जिस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस होती हैं हर रोज़ आप बिठाते हैं, इस तरह कृपया आप संडे क्लास में बिठा दीजिएगा बच्चों के लिए। ऑब्जेक्ट लेसन्स भी उसमें होती है, बच्चे सीखें और प्रभु में बढ़ें, पहला सा प्रेम में बने रहें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।